देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में खरगोन जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन जागरण पद यात्रा निकाली और लोगों को संदेश देकर महंगाई के विरोध में ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस विधायक रवि जोशी, झूमा सोलंकी सहित कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। रैली शहर के गणेश मंदिर से होते हुए सराफा बाजार, श्रीकृष्ण तिराहा, बस स्टैंड होते हुए नगरपालिका टाउनहॉल पहुंची, जहां पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर उनका प्रिय भजन वैष्णव जन को गाने के बाद विधायक रवि जोशी ने बढ़ती महंगाई, खाद की किल्लत को लेकर केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। जल्दबाजी में बनाए गए कानून नियमों को जनता के विरोध के बावजूद थोपे जा रहे हैं। यही कारण है कि हाल ही में तीनों कृषि कानून सरकार को वापस लेना पड़े। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देश में हाहाकार मचा है केंद्र सरकार की नीति और नियत को लेके। केंद्र सरकार ने सत्ता में आने के पहले बोला था प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज बेरोजगारी चरम पे है। प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक जिले में, ब्लॉक में, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। कोरोना के बाद और अधिक वो संख्या बढ़ी है, लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहे, जिनके रोजगार थे उन लोगों के रोजगार खत्म हो गए, महंगाई चरम पर है। स्मृति ईरानी केंद्र सरकार में सत्ता में आने के पहले रोज आंदोलन किया करती थी, भाजपा रोज आंदोलन किया करती थी, जब 65 और 70 रुपए पेट्रोल था, आज पेट्रोल 110-112 रुपए लीटर देश में बिक रहा है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो लोग आंदोलन करते थे, उनसे निवेदन करता हूँ कि जनता के लिए आंदोलन के लिए सड़क पे उतरे। बाबा रामदेव अन्ना हजारे महंगाई के खिलाफ बोलते थे, कहाँ चले गए ये लोग? आज विश्व में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कही है तो इस भारत के अंदर है, विश्व में सबसे ज्यादा महंगाई कही है तो इस भारत के अंदर है। किसान परेशान, महिलाएं असुरक्षित है इस देश के अंदर, उसको लेके आज हमने प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पे, शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में एक जन जागरण अभियान की शुरुआत करी है। हमने शुरुआत करी है और निरंतर ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। किसान के हित में, महिलाओं के हित में, बेरोजगार साथियों के लिए, नौजवानों के लिए पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी और हम उन तमाम साथी उस लोगों के लिए खड़े रहे। प्रधानमंत्री ने किसान, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।